वैक्सीन लेने के बाद बॉडी मैग्नेटाइज्ड हो रहा है, कॉइंस और टेंसिल्स सब बॉडी में लग जाता है, स्पेशली मेन डोज के, मतलब सेकेंड डोज के बाद। ऐसे बहुत सारे क्लेम्स। हेलो दोस्तों, मैं हूं सत्या एंड आज हम लोग वो राज के बारे में बात करेंगे कि क्यों बॉडी मैग्नेटाइज्ड हो रहा है। चलिए जानते हैं वो सब के पीछे क्या राज है, एंड उसके साथ ये भी डिस्कस करेंगे क्या अभी भी वैक्सीन लेना सेफ है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले चलिए थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं कि क्लेम क्या है। महाराष्ट्र, बैंगलोर एंड उड़ीसा, उड़ीसा के ढेंकनाल स्पेशली, ऐसे कुछ जगह पर ये चीज़ देखा गया है कि वैक्सीन लेने के बाद बॉडी मैग्नेट की जैसा काम कर रहा है, मतलब मैग्नेटाइज्ड हो रहा है। तो क्या है इस पीछे का राज? तो कुछ लोग बोल रहे हैं कि ये वैक्सीन एमआरएनए वैक्सीन है। सो एमआरएनए पूरा बॉडी में, पूरा थ्रू आउट द बॉडी कैसे स्प्रेड हो जाएगा, इसीलिए वो मैग्नेट डाल रहे हैं ताकि पूरा अच्छे से बॉडी स्प्रेड हो जाए, बॉडी में एमआरएनए स्प्रेड हो जाए एंड इम्यूनिटी पूरा बॉडी में बन जाए। ये एक कॉन्सेप्ट है लोगों का कहना, मैं जो बोल रहा हूँ। एंड और कोई बोल रहा है कि एक्चुअली वैक्सीन में कुछ मेटल डाले हैं इसीलिए बॉडी मतलब मैग्नेट की तरह काम कर रहा है। एंड कोई बोल रहा है कि ये सब वैक्सीन तो नहीं हुआ सही से, तो इसीलिए लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं गवर्नमेंट। तो क्या है ये सब की चीज़? पहले तो आपको ये बता दूं कि चलिए एक-एक करके सब पे एक्सप्लेनेशन मैं आपको दे रहा हूँ कि एमआरएनए वैक्सीन, ये कोविड एक एमआरएनए वैक्सीन है, ओके, बट ये पहला एमआरएनए वैक्सीन नहीं है। कोविड, यस कोविड नया है, कोविड हमारे लिए नया है, बट एमआरएनए वैक्सीन नया नया नहीं है। हम पहले भी कई सारे वायरस के लिए ये एमआरएनए वैक्सीन हम लोग ऑलरेडी यूज कर चुके हैं। तो वो वायरस के लिए तो नहीं हम लोग एमआरएनए में मैग्नेट नहीं डाले थे, तो इसमें क्यों मैग्नेट डालेंगे, क्या जरूरत है मैग्नेट की? एंड सेकेंड थिंग, आपके बॉडी में कोना कोना ट्रैवल करने के लिए मैग्नेट चाहिए? ब्लड में आ गया तो ब्लड में, तो ब्लड आपके ऊपर से नीचे तक हर जगह ब्लड फ्लो हो रहा है, तो ब्लड ऐसे ही फ्लो हो जाएगा हर जगह, तो क्या चाहिए मैग्नेट का? सेकेंड थिंग, अच्छा वैक्सीन के जो बूंदे हैं, बूंदे में मेटल डाल रहे हैं, ओके, इस बात में भी थोड़ा गौर करते हैं। आपको पता है वैक्सीन का मतलब, जो वैक्सीन डाल रहे हैं तो कितना डाल रहे हैं? वो लेस देन 1 ml, लेस देन 1 ml वैक्सीन डाल रहे हैं। तो वो लेस देन 1 ml वैक्सीन में वो कैसे मेटल कैसे डालेंगे, थोड़ा सोचिए इस बात को। एंड कोई बोल रहा है कि माइक्रोचिप डाले हैं, माइक्रोचिप अगर एक जगह पर डालेंगे तो यहाँ पर कैसे मैग्नेटाइज होगा, मतलब आपके बॉडी में दोनों तरफ जो भी वीडियो मतलब आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे, जो भी है ये इधर उधर हर सब जगह मैग्नेटाइज हो रहे हैं, देख रहे हैं, तो माइक्रोचिप अगर एक जगह पर डालेंगे तो कैसे होगा? एंड आपके सामने ही तो वैक्सीन दे रहे हैं, वैक्सीन आपको थोड़ी सेंसलेस करके दे रहे हैं, वैक्सीन आपको बस आपको बिठाते हैं एंड डायरेक्टली देते हैं इंट्राडर्मली। तो ये तो मतलब माइक्रोचिप, ये तो बात हद से ज़्यादा हो गया। एंड और एक बात कि मेटल अगर थोड़े भी, देखिए आपको बोला कि लेस देन 1 ml, लेस देन 1 ml अगर फिर भी थोड़ा सा मेटल डाल लें, वो मेटल आपके पूरा बॉडी को मैग्नेटाइज करेगा। ये बिल्कुल ही मतलब बेसलेस आर्गूमेंट है, मेरे बोलने का ये मतलब है, पूरा बेसलेस आर्गूमेंट। एंड अभी जाते हैं आपके सवाल के ऊपर, आप अभी सवाल करेंगे कि तो बॉडी मैग्नेटाइज हो कैसे रहा है? तो आपको ये चीज़ बता दूं, ये अभी अंडर रिसर्च है, लो मतलब अभी साइंटिस्ट साइंटिस्ट अभी इसके पीछे लगे हैं कि क्यों एक्चुअली मैग्नेटाइज हो रहा है, इसके पीछे क्या है। देखिए दोस्तों, एक्चुअली ऑब्जर्वेशन से ही हम लोग कुछ देखते हैं ना, या तो रिसर्च करने लगते हैं, तो वो रिसर्च हमको करना पड़ेगा कि अभी तो चल रहा है ना रिसर्च, वो देखेंगे कि क्या हो रहा है एक्चुअल चीज़। बट वैक्सीन की वजह से मैग्नेटाइज, एक बार सोचने की बात है, क्या ये पॉसिबल है? सोचिए क्या डालने हैं वो इंजेक्शन में एंड कैसे पूरा बॉडी कैसे मैग्नेटाइज होगा, थोड़ा सोचिए। एंड एंड अभी आपके नेक्स्ट सवाल, अभी क्या वैक्सीन लेना सेफ्टी होगा? ओके, जो लोग मानते हैं कि ये चीज वैक्सीन के लिए ही है, मतलब वैक्सीन की वजह से मैग्नेटाइज हो रहा है बॉडी, ओके, उन लोगों के लिए ये सवाल का आंसर। तो
पहले मैं बता दूं कि कोविशील्ड, कोवैक्सीन, ये सबका साइड इफेक्ट हम लोग को पता है। मैं आपको ऑलरेडी पिछला वाला वीडियो में बता दिया कि क्या क्या साइड इफेक्ट है। मैंने आपको ये चीज़ भी बताया था कि इसमें 0.1 to 1% चांस है ब्रेन स्ट्रोक होने का वैक्सीन में, ये भी देखा गया है लोगों में। बट परसेंटेज देखिए, मतलब 0.1 to 1% मैक्सिमम, वो भी मैक्सिमम। बट इसका परसेंटेज अभी देखिए, इसका परसेंटेज देखिए, अभी जो मैग्नेटाइज हो रहे लोगों का जो आया है, कई गिने चुने आए हैं लोग, अभी तक 30 करोड़ प्लस लोग ऑलरेडी वैक्सीनेटेड हो चुके हैं, इंडिया की बात कर रहा हूं मैं। एंड सिर्फ कहीं 50 मैक्सिमम, मैंने जितना न्यूज़ देखा, वही न्यूज़ की बेस से मैं बोल रहा हूँ, मैक्सिमम 50 से कम लोगों का ये देखा गया है कि मैग्नेटाइज हो रहे हैं, मतलब वो उनका क्लेम है कि बॉडी मैग्नेटाइज हो रहा है वैक्सीन लेने के बाद। ओके, मान लेते हैं कि वैक्सीन की वजह से हो रहा है, तो क्या देखिए उसका परसेंटेज कितना होगा, उसको थोड़ा मतलब आपका मैथमेटिक्स लगाइए कितना हो रहा है। ये 30 कहाँ, 30 करोड़ कहाँ, 50 लोग, मतलब सिर्फ 50 लोग मैग्नेटाइज हो रहे इसी वजह से। एंड मैग्नेटाइज एंड ब्रेन स्ट्रोक, उसका भी देखिए ब्रेन स्ट्रोक कितना डेंजर है, एंड आपका बॉडी मैग्नेटाइज हो रहा है। ऑफकोर्स ये थोड़ा अबनॉर्मल है, बट उतना डेंजर नहीं है। इसीलिए थोड़ा वाइज डिसीजन लीजिए एंड वैक्सीन ले लीजिए। थोड़ा देखिए, आगे भी देखिए कि थर्ड वेव भी आने वाला है। थर्ड वेव के ऊपर मैं अभी नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा, तो आपको बताऊंगा कि थर्ड वेव क्या क्या होगा एंड आपको कैसे प्रिकॉशन लेना पड़ेगा थर्ड वेव के लिए। थर्ड वेव आने वाला है तो अभी से वैक्सीन ले लीजिए, ये बहुत बड़ी वाइज डिसीजन होगा। जल्दी से वैक्सीन ले लीजिए, फर्स्ट डोज, सेकेंड डोज, बोथ टाइमली। ओके, सो यही था वीडियो। आशा करता हूँ आपको वीडियो समझ में आया होगा एंड जरूर आप वीडियो देखने के बाद सही डिसीजन लोगे। एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।